मसाला किचन में बन रही है मार्केट स्टाइल टमेटो केचप। तो सबसे पहले ये बताइए, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस किस किस ने बना के देखी, कैसी लगी, उसका रिजल्ट कैसे लगा? बहुत ही अमेजिंग बनी होगी, हमारे यहाँ तो बहुत पसंद कर रहे हैं। आप सबकी ढेर डिमांड्स आई कि टमेटो केचप कैसे बनाया जाए, और इस वक्त टमाटर आ भी बहुत अच्छे रहे, तो आज मैंने बनाया टमेटो केचप। उसका स्वाद बहुत ही अमेजिंग लगेगा, आप ज़रूर बनाइए और जल्दी भी बनाइए। अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें, ताकि मेरे नए वीडियो का मैसेज आप तक आ सके। तो सर्दियों के सीजन में सीजनल टमाटर लाल लाल देखकर टमाटर सॉस, टमाटर केचप बनाने का तो मन हो ही जाता है। तो मुश्किल से 30 रुपए के खर्चे में आपकी बन जाएगी 1 लीटर टमेटो केचप, जो मार्केट से बहुत सस्ती और बहुत टेस्टी। बच्चे तो दीवाने हो जाएंगे सॉस के, लेकिन कुछ खास ट्रिक्स हैं जिन्हें आपको फॉलो जरूर करना है। लास्ट में ये कैसे लगनी चाहिए और इसके लिए टमाटर कैसे होना चाहिए, कितना पकाना चाहिए, ये सारे ट्रिक्स आपको फॉलो करने होंगे। और हाँ, आप चाहें तो इसमें लहसुन प्याज हटा भी सकते हैं। सबसे पहला जो ट्रिक है, टमाटर आपको गले सड़े बिल्कुल नहीं लेने। छोटे छोटे से जो टमाटर बहुत सस्ते तो मिल जाते हैं, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए टमाटर गूदे वाले, मोटे टमाटर। तो 1.5 किलो हम टमाटर लेंगे, 1 प्याज ले लिया है, थोड़ी सी कलियां लहसुन की ले ली हैं, और 1.5 से 2 इंच का टुकड़ा ले लिया हमने अदरक। और यहाँ मैंने लिया थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि बच्चे ये बहुत पसंद करते हैं केचप। बच्चों की इम्यूनिटी भी थोड़ी स्ट्रांग हो, इसके लिए खास तौर से कुछ मसाले ज़रूर डालिए। यहाँ मैंने लिया थोड़ी सी दालचीनी, थोड़े से लौंग और काली मिर्च हैं, थोड़ा चक्रफूल है, और आधा चम्मच जीरा है, 1 छोटी इलायची है। सबसे पहले टमाटर को धोकर काट लेते हैं। और हाँ, टमाटर सॉस आपने भी कभी घर में बनाया है, इसमें प्याज लहसुन डालते हैं या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टमाटर का ये वाला ऊपर वाला पार्ट आप हमेशा हटा दीजिए, इसे हमें नहीं खाना चाहिए। टमाटर को मैंने सारे पीस में काट लिया है। यहाँ पर है मेरे पास सीजनल लाल मिर्च, वो भी मैं डाल रही हूँ। ये अगर आपके पास ना हो तो बाद में हम लाल मिर्च तो डालेंगे ही, अगर है तो आप अभी इस वक्त ही डाल दीजिए, क्योंकि इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा और स्वाद भी बहुत बढ़िया आएगा। आप चाहें तो 1 से 2 हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। ये जो गरम मसाले थे उन्हें मैंने कूट लिया है और एक छोटी सी पतली सी कपड़े में बांध लिया है, ये देखिए। और इस सॉस में जो खास बात है, मुझे घंटों पकाना भी नहीं है, बिना कुकर के ये सॉस बहुत ही बढ़िया बन जाएगी। इस पैन में 1 से 2 चम्मच सिर्फ पानी डाल रही हूँ, मैं पानी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, 1 कप भी नहीं, सिर्फ 2 चम्मच। इसमें डाल रही हूँ लहसुन, अदरक, प्याज और लाल मिर्च। अब ये सारे टमाटर डाल रही हूँ, धीरे धीरे इसे चलाना है, टमाटर अपने आप ही अपना पानी छोड़ेगा। ये जो गरम मसाले की हमने गठान बांधी है वो अभी नहीं डालेंगे, अभी डालेंगे तो वो टूट सकती है। थोड़ी देर बाद जब थोड़े टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तब हम डालेंगे। ज़्यादा पानी डालने से बहुत वक्त लगता है, सॉस घंटों पकती है। हमने बहुत ही कम पानी में और बढ़िया टमाटर लिए हैं, जिससे ये सॉस बहुत ही जल्दी बन जाएगी। इसे हम ढक देते हैं 2-3 मिनट के लिए। टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया है, उसी पानी में ये पक भी रहे हैं। यहाँ पर मैं वो गरम मसाले वाली पोटली डाल रही हूँ, लेकिन ध्यान रहे जब आप घुमाएं उसको तो इस तरीके से ना करें कि वो टूट जाए। बस इसका हमें फ्लेवर चाहिए मसालों का। इसे हम ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। ये देखिए, टमाटर बहुत अच्छे से पक चुके हैं, 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस बंद कर देते हैं, पोटली को हम निकाल देते हैं, उसमें जो भी रसा है उसे हम इस सॉस के अंदर ही डाल रहे हैं, मतलब जो मसाले का फ्लेवर है वो सॉस के अंदर आ गया। अब इस पोटली से जो मसाला है उसको आप किसी सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। अब इस सॉस को हल्का सा हम ठंडा कर देंगे, चाहे तो आप हैंडी से या मिक्सी में, जिसमें भी आप पीसना चाहें पीस सकते हैं।
मेरे घर में जो मिक्सी है मैं उसी से ही पीस रही हूँ। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सारा टमाटर एक ही जार में आ गया है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये बिल्कुल प्लेन है, मैं आपको एक बार छान के दिखा देती हूँ। इस मिक्सी में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन आप अपनी मिक्सी में जब इसे ग्राइंड करें तो छानिए ज़रूर, क्योंकि टमाटर के सीड्स या छिलके जो हमें एक्स्ट्रा दिखते हैं उसे हमें हटाना है, सॉस में यूज़ नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल कुछ भी नहीं निकला है। अब हम उसी बर्तन में इसे डाल रहे हैं। ये देखिए कितना गाढ़ा बना है ये टमेटो केचप का मिश्रण। यहाँ मैंने डाल दिया 2 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून काला नमक। अब इसमें 1 कप और 2 से 3 टेबलस्पून डाल दीजिए सिरका, वाइट विनेगर, जो नॉर्मल सा होता है जो हम चाइनीज फूड में यूज़ करते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ अभी 200 ग्राम चीनी। अभी चीनी थोड़ी और भी डलेगी, बिल्कुल वही मार्केट वाला टेस्ट चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर डालिए। आप खुद हैरान हो जाएंगे इसका टेस्ट देखकर, कोई फ़र्क नहीं लगेगा मार्केट का और ये घर की टमेटो केचप का। अब इसे पकने दीजिए और बढ़िया सिरके के साथ, विनेगर के साथ, और बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनने दीजिए। बिल्कुल गाढ़ी चाहिए वैसी ही जैसी मार्केट की होती है। अब हम इसे टेस्टिंग के लिए एक प्लेट पर डाल के देखते हैं। आप देखेंगे टमाटर की सॉस गाढ़ी तो हो गई है, पानी बिल्कुल नहीं है, पर फिर भी अभी हमें इससे और ज़्यादा पकाना है, क्योंकि जो ये नीचे गिर रही है ना, ये भी अभी थोड़ा धीरे धीरे गिरनी चाहिए, मतलब थोड़ी और गाढ़ी चाहिए। टेस्ट आप कर सकते हैं इस वक्त, अगर आपको चाहिए तो आप इसमें थोड़ा लाल मिर्च और डाल दें। मैं यहाँ पर 50 से 60 ग्राम चीनी और डाल रही हूँ। कुल मिला के 250 से 300 ग्राम चीनी डालिए 1.5 किलो टमाटर में। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा और स्वाद भी बिल्कुल वैसा ही आएगा। अगर आपके पास नॉर्मल लाल मिर्च है, कश्मीरी नहीं है, तो उसे आप छान कर डालिए, मतलब मिर्च का मोटा दाना नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो इसमें कलर डाल सकते हैं जो तंदूरी कलर होता है, पर मुझे कलर नहीं डालना है। यहाँ देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है टमेटो केचप का, पहले कैसा था ये कलर और अब कैसे हो गया है, ये चेंज आप खुद देखिए। और ये भी देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसे फ़र्क आया है पहले और अभी में। ये है सोडियम बेंजोइट, मैं नहीं डाल रही, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ मार्केट में ये डाला जाता है, और सिरका भी ये लोग प्योर डालते हैं। अब मैं थोड़ा सा ठंडा करने के बाद भी इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी। ये देखिए प्लेट में, देखिए ठंडा होने के बाद इसका कलर और इसकी थिकनेस, ये देखिए लग रही है ना बहुत बढ़िया। इस वक्त टमाटर सॉस के साथ आप फिंगर चिप्स, समोसा, जो भी इंजॉय करना चाहते हैं करिए। अब यहाँ पर देखिए सॉस ठंडी हो चुकी है, अब हम इसमें बॉटल में डालेंगे। बॉटल में डालने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी, बॉटल हमेशा बॉयल की हुई हो, मतलब एक बड़े बर्तन में एक सॉस की जो खाली बॉटल होती है उसको बॉयल कीजिए, उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, उसके बाद ही उसमें सॉस डालिए, तो आपकी सॉस काफ़ी लंबी चलेगी। काफ़ी अच्छी थिक हो गई है, कलर भी बिल्कुल नेचुरल है जो हमें पसंद आता है। तो काफ़ी सारी ट्रिक्स मैंने आपको बताई टमेटो केचप के लिए, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसका टेक्सचर देखिए, इसकी शक्ल देखिए, आपको वाकई लगेगा कि बिल्कुल मार्केट और घर की सॉस में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि घर की ज़्यादा अच्छी लग रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी न कीजिए।